तरह अभी चाहते हैं बाजार जैसे बिल्कुल बेकरी स्टाइल के बंद घर में बनाना और बच्चों के लिए बर्गर बनाने के लिए आप भी होते हैं परेशान, तो आज ये रेसिपी आप जरूर देखिएगा और जरूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज आपके साथ ये जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। तो इस रेसिपी में आप बनाएंगे बंस घर पर और विदाउट एग, विदाउट ओवन। तो सबसे पहले आपने ले लेना है नीम गर्म पानी, हाफ कप नीम गर्म पानी में हम 1 टेबल स्पून से कम थोड़ी शुगर ऐड करेंगे और इसी तरह से 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट का। ये दोनों को करेंगे हम अच्छे से मिक्स और इसको हम 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि हमारी जो ये ईस्ट है ये शुगर की मदद से बहुत अच्छी सी हमारी राइज हो जाए और ईस्ट के साथ हमारी डो हम बनाएंगे बर्गर बंस के लिए। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप पिज़्ज़ा या शुवारमा की ब्रेड भी बना सकते हैं। तो हमारी ये रेसिपी सेम रहेगी। तो अब हमने इसको कवर कर दिया है 10 से 15 मिनट्स के लिए, इसको हमने कवर करना है। दूसरी तरफ हमने जो है ऑल पर्पज़ फ्लावर हमने लेना है 3 कप या 2.5 कप जितना आप बनाने चाह रहे हैं उस हिसाब से। तो मैं यहाँ 2.5 कप लूँगी, मेजरिंग कप के साथ भी आप मेजर कर सकते हैं। और इस तरह से आपने इसको स्टेन कर लेना है स्टेनर की हेल्प से ताकि ये जो सारा इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाए और हमारा मैदा जो है वो बहुत अच्छा सा बन जाए। और इसके अंदर हमने रेड पेपर, लाल मिर्चें हल्की सी ऐड की हैं और इसमें हमने ऑयल ऐड किया है और सॉल्ट ऐड किया है, हाँ 1 टीस्पून हमने सारी चीज़ें ऐड की हैं। दूध हम 1/2 कप इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हमारी जो ईस्ट राइज हो चुकी होगी उसको भी हम इसी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेजुअली ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके एक नरम सी डो तैयार कर लेंगे। हाथों से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, डो मशीन से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं और मैं यहाँ पर स्पून की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ। और देखिए कितनी जल्दी और कितनी ईजीली ये डो हमारी बन गई है। ऊपर से ऑयलिंग कर देंगे और 2-3 आवर्स के लिए हम इसको कवर कर देंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो कम से कम आधा घंटा आप इसको कवर कर देंगे और गर्म जगह पे रख देंगे किचन में। तो ये हमारी डो राइज हो गई है। अब हमने इसको अच्छे से एक दफ़ा फिर मिक्स कर लिया, गूंद लिया और हमने इससे अब पेड़े तैयार कर लेने हैं। छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे बर्गर बन, जितना आप बड़ा बनाना चाहें छोटा बनाना चाहें उसी हिसाब से आप इसमें पेड़े का साइज़ यानी बॉल्स का साइज़ रख सकते हैं। छोटी बॉल्स होंगी तो छोटे बंस बनेंगे, बड़ी बॉल्स होंगी तो बड़े बंस बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 बॉल्स रेडी कर ली हैं और यहाँ पर मैंने ट्रे ले लिया है जिसमें मैं इनको विदाउट ओवन बना रही हूँ घर में ही चूल्हे पे, और पतीला भी यूज़ नहीं करूँगी, तवे पर ही बनाऊँगी आपके सामने। ऑयलिंग कर लेनी है, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि हमारे जो बंस हैं उसके साथ स्टिक ना करें। अब हमें थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के इनको रख देना क्योंकि इन्होंने राइज होना है, फूलना है, तो इसी वजह से हमने इसको पेड़ों पर रख देना। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है क्योंकि अभी एक दफ़ा फिर इन्होंने राइज होना है, इसलिए इसके ऊपर ऑयलिंग भी कर देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए। तो इसी तरह से हमने इसको ऑयलिंग कर लेनी है, अच्छी तरह इसको ग्रीस कर लेना है और इसके बाद इसको हमने कवर कर देना है। कवर करके हम इसको 10-15 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि इसके अंदर दोबारा से एक दफ़ा राइज आ जाए। अब इसी तरह से हमने अच्छे से सारों को ग्रीस कर लिया और फिर हम इनको कवर करेंगे। 15 मिनट के बाद तवे को मैंने बहुत अच्छा सा गर्म कर लिया और उसके ऊपर अपना ट्रे रख दिया और ऊपर से भी मैं इसको कवर करके रख दूंगी। ऑयलिंग मैंने की हुई है, एग वॉश नहीं किया क्योंकि ये विदाउट एग बन रहे हैं। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 15-20 मिनट्स के लिए कवर करके मैंने इनको रखा। आप देखें ये कितने अच्छे से राइज हो गए हैं। अब मैं दोबारा एक दफ़ा इस पर ऑयलिंग करूँगी और एक अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ कुक हो चुके हैं। बस इसके ऊपर अब कलर लेके आना है और उसके लिए इसको मैं कवर कर दूँगी ऑयल लगा के दोबारा से ताकि बहुत अच्छे से गोल्डन से हो जाएँ। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर तिल वगैरह या कुछ भी आप ऊपर से लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल बिल्कुल सिंपल तैयार कर रही हूँ ईजीली। और इसी तरह से हम अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, किसी भी रेसिपी के लिए बर्गर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने ही खूबसूरत ये बंस बनकर रेडी हुए हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। नरम और मुलायम तैयार हो गए हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।